हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का थोड़ा सा पढ़े थे। भेजे क्या नोट्स? नहीं भेजे। तो फार्मेसी एक्ट कंप्लीट हो गया था और हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हमको लगता है थोड़ा एक, हाँ, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला था इसीलिए। तो हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे। तो अब इससे पहले हम जो फार्मेसी एक्ट पढ़े, तो फार्मेसी एक्ट मेनली क्या था जो, हाँ, मतलब टोटली बेस्ड था फार्मेसी से, मतलब फार्मेसी प्रोफेशनल्स के लिए था, ये जो भी फार्मेसी में आ रहे हैं उसके, क्या बोलते हैं, उसके उत्थान के लिए था, या फार्मेसी सिलेबस के लिए था। फार्मेसी है टोटल, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं फार्मासिस्ट बनने के लिए, क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, कॉलेज खोलने के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया था, ये जितना भी फार्मेसी रिलेटेड पढ़ रहे थे वो हमारा फार्मेसी था। ठीक है, अब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, इम्पोर्ट कैसे होगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये टोटल हम कहाँ पढ़ेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। और ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? हाँ, 1940 में एक्ट आया था, 1940 में, और रूल्स आया था 45 में, बाद में आता है रूल्स, हमेशा ये याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या था कि ये जब जैसे ये एक्ट आया, तो अब कुछ भी चीज को इम्पोर्ट करना हो, बाहर से लाना हो, कुछ मैन्युफैक्चर करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, ये टोटली रेगुलेट कर रहा था। पहले ये क्या था, ड्रग एक्ट, ओनली ड्रग एक्ट था। तो लेकिन अब उसके बाद क्या किया कि नहीं, कॉस्मेटिक्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, और उसके बाद ये क्या बना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा होगा? तो पहला ऑब्जेक्टिव्स तो यही हमारा रहा होगा कि स्टार्टिंग में हम क्या देखे थे कि हम लोग का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमारे देश में बहुत सारे स्प्यूरियस एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गया था, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए पहला होगा। तो अब जो भी चीज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इम्पोर्ट होगा, जो भी चीज होगा, जो भी लाइसेंस मिलेगा, वो इस एक्ट के तहत। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिल गया है तो फिर आपको दुकान का लाइसेंस नहीं चाहिए, दुकान के लिए भी लाइसेंस होता है। वैसे ही कंपनी खोलने के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस होता है। ठीक है, हम लोग जब स्केड्यूल पढ़ेंगे, A to Z स्केड्यूल रहता है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे किसके लिए क्या क्या है, या लाइसेंसेस के अंतर्गत भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि लाइसेंसेस हमको पढ़ना नहीं है अभी, अभी हमको सिर्फ स्केड्यूल्स पढ़ना है। तो पहला तो यही है। दूसरा, जो भी प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है, या जो बाहर से दवाइयां आ रही हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा और क्या है कि कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स जो बेचा जा रहा है वो क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा भी बेचा जाना चाहिए। हालांकि ये बात हमारा फार्मेसी एक्ट में भी था, फार्मेसी एक्ट में भी ये था कि फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, बट ये यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि जो भी सब स्टैंडर्ड ड्रग्स है, निम्न क्वालिटी के, एडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस, उसको प्रिवेंट करें हम, सिर्फ क्वालिटी वाले ड्रग्स ही मार्केट में आए, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद हमारा आया DTaP एंड DCC, जो हमेशा नजर रखेगा इन लोग पे, या एडवाइजरी बोर्ड के तहत काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब आता है डिफिनेशंस। डिफिनेशंस आपको हर एक चैप्टर्स में मिलेंगे और आपको याद करना पड़ेगा एकदम एग्जैक्ट वैसा ही। तो पहला था ड्रग्स, जो इस बार एग्जाम में भी आया था। क्या था ड्रग्स? पूरा याद है। तो पहला क्या था कि ड्रग्स जिसको हम प्रोफाइलेक्टिक या थेरापीटिक यू में यूज के लिए यूज करें, चाहे ड्रग्स को पूरा खत्म करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए डिजीज को, हाँ, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करें, या हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्मिन हो या इंसेक्ट को खत्म करने के लिए, जैसे कि हम लोग एलवेंडा जो सब लेते हैं वो सभी ड्रग के कैटेगरी में है, तो ये सब हमारा ड्रग्स है। उसके बाद कोई भी सब्सटेंस जिसमें हम लोग एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल्स यूज कर रहे हैं, मेडिकामेंट के अंदर कैप्सूल्स में हम लोग क्या मेडिकामेंट डालते हैं, तो बॉडी और कैप रहता है, तो उसके अंतर्गत जो भी यूज करें वो ड्रग्स है हमारा। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स नॉर्मली भाषा में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो मुंह पे रब करें, लगाए, कुछ भी इंट्रोड्यूस करें किसी भी मेथड्स में, क्यों, हम अपने ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए, है ना। अभी कॉस्मेटिक्स देखिए, लगा के नाक खड़ा कर लेते हैं, हाँ, तो कुछ भी कर लेते हैं, मुंह वो चौड़ा है तो उसको एकदम साफ कर लेते हैं, जाओ लाइन को साफ साफ कर देते हैं पूरा। तो ये क्या है हमारा, कॉस्मेटिक्स से, मतलब अभी पार्लर्स में देखे होंगे,
ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा कि जो एक्ट्रेस है वो भी फेल हो जाएंगे। हालांकि एक्ट्रेस भी वैसे ही दिखती है नॉर्मल में, विदाउट मेकअप फोटो कभी आप देखेंगे तो लगेगा रे ये क्या है, इससे सुंदर तो हम ही लग रहे हैं। तो वही है, ओवर मेकअप कर देता है तो वो लोग फिर पैसा भी लेता है छुपाने के लिए, अरे बहुत पैसा लेता है। उसके बाद आता है आयुर्वेदिक एंड सिद्धा यूनानी ड्रग्स, ये कैसे हम करेंगे। तो जो भी इस पद्धति से बनेगा, आयुर्वेदिक बुक होता है, यूनानी बुक होता है और सिद्धा बुक्स होता है, इस या यूनानी तिब्बतियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो बुक है, इस बुक के तहत जो भी चीज बनेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसमें भी बनाते हैं जैसे कि हम लोग एलोपैथिक में बनाते हैं ना, तो इसमें भी हम लोग बनाते हैं लेकिन प्रक्रिया अलग होता है, थोड़ा नेचुरल तरीके से बनाते हैं। जैसे क्रूड ड्रग, ऐसा नहीं कि सीधा क्रूड ड्रग लिया बना लिया तो लोग फर्मेंट किया या वैसे ही कुछ करके बनाता है, तो इन लोग का कॉस्ट काफी कम पड़ता है क्योंकि इन लोग का जो अल्कोहल यूज होता है ना इनमें बहुत, खुद से या तो खुद से बना दिया फर्मेंट करके अल्कोहल उसके बाद यूज कर लिया, तो इनका पर हेड का कॉस्ट काफी कम पड़ जाता है। और जब हम वो अल्कोहल वाला चैप्टर्स पढ़ेंगे एक्साइज ड्यूटी एक्ट अल्कोहल का, तो वहां पे आप देखेंगे कि इन लोग को जो अल्कोहल मिलता है वो 1-2 रुपया केजी के हिसाब से मिलता है, बाकी वाले को 36 रुपया के लगभग के मिलता है क्योंकि इन लोग खुद से बना देता है होम्योपैथिक, तो इसीलिए होम्योपैथिक दवाई या यूनानी दवाई से ग्रीक टाइप का जो भी दवाई रहता है ना वो काफी कम कीमत में मिलता है क्योंकि इनका जो प्रोसीजर है वो काफी कम है। अब इनके लिए स्टडी होता है, जैसे आप एमबीबीएस पढ़ते हैं ना वैसे आयुर्वेदिक का, खैर सभी को पता है कि आयुर्वेदिक कॉलेज होता है और ये सिद्धा यूनानी का भी कॉलेज होता है, पहले बिहार में एक था अभी पता नहीं कितना है, अभी तो खैर हमको उतना डाटा या पता नहीं है लेकिन पहले एक था, सिद्धा का तो खैर हमको अभी भी नहीं पता है कि है या नहीं है लेकिन होगा जरूर, अगर आप खोजेंगे तो जरूर होगा। हाँ पढ़ाई होता है जैसे एमबीबीएस का पढ़ाई होता है वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं आयुष, ये सारे को मिला के अभी आयुष डॉक्टर कर दिया है, आयुर्वेदिक यूनानी योगा सभी को मिला के आयुष डॉक्टर बनते हैं, अब उसका इक्विवेलेंट एमबीबीएस डॉक्टर से किया गया है। पहले इन लोग को कोई वैल्यू नहीं देता था लेकिन जब से हमारा हेल्थ पॉलिसी सब आया तो आयुष डॉक्टर को भी अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी, तो अब जो सेंट्रल लेवल पे जो लाइसेंस को अप्रूव करे कौन है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, वही होगा ना, ऑफ इंडिया सेंट्रल में तो वही होगा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर में कुछ भी चीज अल्टर कर रहे हैं, बना रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर कहेंगे ऑब्वियस। उसके बाद आता है पेटेंट या प्रोप्रिएटरी मेडिसिन्स, मतलब कोई भी चीज अगर आप अपने हिसाब से कर लिए अपने नाम पे कर लिए तो वो हमारा पेटेंट ड्रग्स हो गया। तो मतलब पेटेंट ड्रग्स में क्या एक चीज फायदा होता है कि आप जितना चाहे उस पर कमा सकते हैं, उस पे निपा अथॉरिटी नहीं लगाता प्राइसिंग का, आप अपने हिसाब से अगर हम 10 साल चाहे तो 10 साल मनमाने कीमत पे उसको बेच सकते हैं अगर कुछ हमने पेटेंट कर लिया अपने नाम से, ठीक है। हाँ डिस्कवर किए हैं तो जब तक हम पेटेंट अथॉरिटी नहीं दूसरों को देंगे तब तक जो है मार्केटेड हम उसको नहीं लाएंगे, तब तक उस चीज पे हम कमा सकते हैं, कितना भी पैसा हम कमा सकते हैं, और जो निप्पा है उस पर कुछ नहीं कर सकता, कुछ एक सर्टन पीरियड रहता है 10 इयर्स या कितना, तो उतना दिन तक आप कमा सकते हैं, उसके बाद वो पब्लिश हो जाएगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए और दूसरा ऑर्फेन ड्रग्स होता है या रेयर टाइप का ड्रग्स जो कभी कभी मार्केट, मतलब जो 1,000 में 1 आदमी को हुआ या लाखों में 1 आदमी को हुआ, मतलब रेयर टाइप का ड्रग्स, तो वैसे ड्रग्स पे भी निप्पा कोई वो नहीं करती है, अपना प्राइस कंट्रोल नहीं करती है, वो लाखों में भी बेच सकता है अपना ड्रग, क्योंकि अब वो क्यों बनाएगा, प्रॉफिट के लिए बनाएगा क्योंकि सभी आदमी को जाना ही नहीं है, सभी आदमी को लेगा नहीं, लाख में कोई एक लेगा, मतलब पूरा अगर हम देखें तो हाँ उसके लिए कोई प्राइसिंग अथॉरिटी उस पर अपना क्या बोलती है उसको अंडर कंट्रोल नहीं ले सकती, वो अपने मनमाना कीमत पे बेच सकती है। खैर ये सब हम लोग प्राइस कंट्रोल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेन आपका एग्जाम में आएगा वो आएगा मिसब्रांडेड एडल्ट्रेटेड स्प्यूरियस, ये सब क्या है, तो इसमें थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बट ठीक है हम याद करेंगे इसको। तो मिसब्रांडेड क्या है, तो उसके लिए हमको पूरा उसका याद करना पड़ेगा कि मिसब्रांडेड एक ड्रग्स और कॉस्मेटिक दोनों एक ही चीज रहता है, ठीक है। बस आपको क्या लिखना पड़ेगा,
कॉस्मेटिक के जगह पे कॉस्मेटिक, अब यहाँ लिखेंगे अ ड्रग इज डीम्ड टू बी मिसब्रांडेड, वहां लिखेंगे कॉस्मेटिक इज डीम्ड टू बी मिसब्रांडेड। अगर कैसे मिसब्रांडेड होगा, अगर उसमें कोई भी चीज कोई भी डैमेज हुआ है, कलर में, कोटिंग में या पॉलिश्ड में, कुछ भी में हुआ है, तो उसको कंसील किया गया है। फिर से मान लीजिए टूट गया, आप लोग वो सब पढ़े होंगे ना, मोल्टिंग वोल्टिंग, ऑरेंज पील इफेक्ट, हाँ, तो ये सब में अगर कुछ हुआ है, स्टिकिंग पिकिंग कुछ भी हुआ है, अगर उसको फिर से उसने कोट कर दिया, कंसील कर दिया, और कंसील कर दिया उसको बेटर बनाने के लिए, लेकिन अब उसका थेराप्यूटिक वैल्यू या तो बढ़ गया है या घट गया, तो वो हमारा मिसब्रांडेड हो गया। ब्रांड में तो है लेकिन अब वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि क्यूसी में जैसे जाएगा वो पास नहीं कर पाएगा, तो मिसब्रांडेड हो गया। ब्रांड में रह के भी निकल गया ब्रांड से बाहर, अगर उसका लेबल जो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है, जो लेबल होना चाहिए वो लेबल नहीं है। मान लीजिए कि सभी का लेबलिंग करने का तरीका अलग अलग है, शेड्यूल एक्स का अलग होगा, शेड्यूल एच का अलग होगा। अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ थोड़ा सा भी एक गड़बड़ी कर दिया, दोनों का एक जैसा बना दिया, तो अगर लेबल अकॉर्डिंगली नहीं है शेड्यूल एच का या शेड्यूल जिसका भी रहे, तो वो क्या हो जाएगा, मिसब्रांडेड। ब्रांड में भी रह के खराब हो गया तो मिसब्रांडेड हो गया। उसके बाद उसका जो कंटेनर है या लेबल है उसमें ऐसा ड्रग्स के बारे में स्टेटमेंट दे दे जो फॉल्स हो, या तो उसमें है भी नहीं या मिसलीडिंग हो, तो वो हमारा मिसब्रांडेड हो गया। मान लीजिए कि उसमें कुछ एक चीज डाल दिया जो उसमें है ही नहीं, तो वो हाँ लिख दिया कि लेबल में ये चीज है लेकिन अब है ही नहीं, पैरासिटामोल प्लस डेक्नोफिनाक लिख दिया। अब उस एक बैच में डेक्नोफिनाक दिया ही नहीं, हो सकता पहले वो यूज कर रहा होगा वही कट पेस्ट करके उसका लेबल चिपका दिया होगा, क्वालिटी चेक में गया तो नहीं है, तो उस टाइप के सारे ड्रग्स को हम लोग मिसब्रांडेड कहें। कोई दिक्कत? तो तीन चीज हो गया कि कलर कोटिंग पॉलिश कर दे हम लोग जिससे कि उसका थेराप्यूटिक वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, पहला मिसब्रांडेड। दूसरा, अगर उसका लेबल प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है। तीसरा, उसके कंटेनर या लेबल पे वैसा मटेरियल है जो फॉल्स क्लेम कर रहा हो कि वो चीज मेडिकामेंट है उसमें, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडल्ट्रेटेड ड्रग। अब एडल्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे एडल्ट्रेटेड मतलब क्या है। तो अगर उसमें कोई भी पार्ट, कोई भी डिकम्पोज सब्सटेंस दिया गया है, मतलब कोई भी खराब चीज, जैसे एडल्ट्रेटेड हम सब्सटेंस भी लेते हैं, क्या होता है, हल्दी है तो उसमें खराब हल्दी मिला दिया या आटा मिला दिया, कुछ भी जो खराब कर सकता है उसको, हाँ, तो मतलब ब्लैक पेपर पपाया सेट का कोई मतलब ही नहीं है दोनों में, पपाया सेट यहाँ क्या यूज करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मटेरियल मिला दिया गया हो जो फिल्थी हो, पुट्रिड हो, फिल्थी मतलब खराब हो या डिकम्पोज हो, जिसका कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं हो। दूसरा क्या कर सकते हैं कि उसको ऐसे जगह में प्रिपेयर किया गया है, पैक किया गया है या स्टोर किया गया है जो आपके हेल्थ के लिए इंजुरियस हो। जैसे मान लीजिए कोल्ड मटेरियल है जिसको कोल्ड में रखना है या कूल में लेकर रखना है, तो आईपी के हिसाब से सभी को दिया गया है रूम टेम्परेचर इतना से इतना होना चाहिए, कूल इतना से इतना होना चाहिए, कोल्ड इतना से उतना होना चाहिए, एक माइनस में रखना चाहिए वैक्सीन सबको हम लोग, हाँ, तो अब उसके हिसाब से नहीं रखा वैक्सीन को, रूम टेम्परेचर पे रख दिया है ना। लैब में जैसे हम लोग चेक करते हैं ब्लड सब वाला, उसको है कि कूल में रखना है, 60 डिग्री सब में रखना है, अब हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिए, 37 डिग्री पे रख दिए, या बहुत ज्यादा हीट हो रहा है वहां पे हम रख दिए, तो क्या हो गया, खराब हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, या वैसे उस कंडीशन में बनाया गया है जिससे ये सारा थेरापेटिक चीज खराब हो गया हो और वो हमारी हेल्थ के लिए इंजुरियस हो गया हो। देखिए बेचने में क्या होता है कि उसको कौन पकड़ेगा, से फिर ड्रग इंस्पेक्टर पकड़ेगा, ड्रग इंस्पेक्टर ही पकड़ेगा ना। कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपने उसको फ्रीज वाला चीज है, हर एक दुकान में फ्रीज रहता है, तो अगर फ्रीज वाला चीज बाहर अगर आप रखी है तो जब वो चेकिंग में आएगा तब पकड़ सकता है, लेकिन उसको एडल्ट्रेटेड उस वक्त नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि वहां पे वैसा है नहीं कि आप यहाँ पे लाए उसके बाद आपने वहां, क्योंकि देखे हुए हैं ना हम लोग, तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर अगर उसमें चाहे तो उस पर चार्ज कर सकता है कि ये चीज कोल्ड में रखने का है तो आपने यहाँ पे किया, वो पूरा बैच को खत्म कर सकता है, उसके दुकान को सील लगा सकता है, या जो भी उसका ऑफेंसेस होगा वो ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी ले सकता है। लेकिन ये जितने भी चीज है एडल्ट्रेटेड, ये सब जनरली दुकान में ही करते हैं कि कोई भी चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं,
मैन्युफैक्चरिंग में ही बेसिकली हम लोग ये चीज कंसिडर करते हैं, जैसे कि आप दुकान घर घर से ले आए, घर में ले आए, तो अब कौन देख रहा है? वो माइनस में रखना है, आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, फिर कौन देख रहा है? उसको नहीं देख रहा है ना, तो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकली संभव नहीं हो पाता है। हालांकि आप कंसिडर उसको कर सकते हैं एडल्ट्रेटेड, क्यों नहीं करेंगे एडल्ट्रेटेड? आप रूम में लाए सेरा और उसको, जैसे कि वैक्सीन ये लोग देते हैं इंसुलिन वाला भी, कोरोना वैक्सीन जो देते हैं ये लोग, निकाल के वहीं पे रखा रहता है एकदम वहीं पे, उसी में एकदम कितना कितना देर तक का देते रहेगा फिर आपको, है ना? एक दो तीन को लिया, उसके बाद फिर सभी को वही देते रहेगा, वही फोड़ फोड़ के, वो तो खराब हो गया वैसे ही, उतना देर कॉन्टामिनेट हुआ वो इन्वायरमेंट में आके। उसका जो कोई भी वैक्सीन होगा तो ऑब्वियस उसको हाँ वो देते रहेगा, और दिन भर देते रहता है, सुबह खोला तो शाम तक में देते रहता है, तो कितना ज्यादा हेल्थ को खराब करेगा वो चीज नहीं देखता है। तो ऐसे तो देखेंगे तो वो प्रोडक्ट एडल्ट्रेटेड हो गया, क्योंकि जैसे ही आपने उसको स्टोर किया है, इनसैनिटरी कंडीशंस में स्टोर किया है जो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो आप उसको करार कर सकते हैं, लेकिन कौन करार करेगा? कोई चेकिंग में आएगा तभी बोल सकता है कि हाँ ये खराब है, तो वो डिपेंड करता है। जनरली ये सब किस कहाँ कंसिडर करते हैं हम लोग, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है? उसके बाद जो भी कंटेनर कंपोज हुआ है, जहां पे भी रखा है, हो सकता है वो कोई पार्ट उसका पॉइजनस हो सकता है। मान लीजिए कि प्लास्टिक्स, खराब टाइप के प्लास्टिक्स, अपने मैन्युफैक्चरिंग वाला चीज पड़ा होगा कि टाइप ए टाइप टू टाइप का रहता है, अगर उस मेडिकामेंट में वैसा कुछ है कि वो स्टील वाले कंटेनर से रिएक्ट कर सकता है जो आपके हेल्थ के लिए इंजूरियस होगा, हाँ, तो उस वक्त के लिए भी वो क्या होता है, एडल्ट्रेटेड कह सकते हैं हम उसको। या फिर उसमें कलरिंग एजेंट ऐसा दिया गया है जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बहुत सारे कलरिंग एजेंट, हाँ, उसमें वैसा कलर मिला दिया गया है जो हमारे लिए या तो लेबल में नहीं होगा या हमारे लिए इंजूरियस होगा, तो वो हमारा एडल्ट्रेटेड ड्रग्स हो सकता है, या उसमें कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया हो, गलती से ही मिल गया हो, इम्प्यूरिटीज पड़े होंगे ना, इम्प्यूरिटीज, सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज आप पढ़े होंगे कि पैकेजिंग के दौरान कुछ इम्प्यूरिटीज मिल गया हो, या कभी भी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इम्प्यूरिटीज मिल गया हो जो क्या बोलते हैं इंजूरियस हो, या हाँ बनने के बाद नहीं। देखिए जैसे कि कोई भी जहां पे भी बनता है ना, तो वो सारा पैकेजिंग एक साथ हो जाता है, जैसे ड्रग बना सारा सिस्टम ऑटोमेटिक, अगर फुल्ली ऑटोमेटिक है तो सारा सिस्टम एक साथ होते होते पैकेजिंग हो जाएगा, उसमें से बैचेस में से, अब मान लीजिए 100 का बैच बना, 100 में से 10 दवाई आएगा हमारा क्वालिटी कंट्रोल में, पैकेजिंग सही, ठीक है, उसके बाद वहां पे पैकेजिंग होगा, अगर पैकेजिंग ओके कर दिया तब वो बाहर निकलेगा, नहीं तो वो पैक्ड सहित डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, तो टोटल प्रोसेस होके तब क्वालिटी कंट्रोल में, हाँ सभी को चेकिंग किया जाता है, सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि हम एक जगह पे 2 महीना काम किए थे, तो वहां पे वो लोग सिर्फ अंदर मेडिकामेंट चेक करते थे, जो भी मेडिकामेंट है एनालिसिस या टेक्निशियंस के तहत वो देख रहे थे कि इसका इतना प्योरिटी चेक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बीफॉर्म में रहेंगे ना, तो वहाँ पे कंपनी में, जैसे आप लोग का हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, वहाँ कंपनी का ट्रेनिंग रहता है, तो आपको 2-3 महीना कंपनी में जाना पड़ेगा, नहीं पहले बीफॉर्म से पहले ही आपको कंपनी में जाना पड़ेगा, जनरली 7 सेमेस्टर सब में आपको जाना पड़ता है, या बाद में भी आपको अभी आप चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, जैसा आपका छुट्टी होता है ना, तो आप कोई भी है बिहार में, जनरली कोई भी जो रहता है, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री वाला, बहुत बड़ा इंडस्ट्री तो नहीं है, लार्ज स्केल वाला नहीं है, लेकिन छोटा छोटा इंडस्ट्री वाला, वैसे ही आपको रख लेना है, अब बस बोलेंगे कि हमको सीखना है तो वो आपको रख लेंगे, 15 दिन 20 दिन वो सिखाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ भाई कौन माथा पे आ गया, वैसा कुछ बढ़िया से सिखाएगा, टोटल चीज। तो हम लोग वहाँ पटना में किए थे एस्केल्पियोसिस से, तो वो लोग अच्छे से सिखाए थे, तो 2 महीना पहले किए थे, उसके बाद जब एमफार्म में मेरा कुछ दिन में छुट्टी था तो फिर हम 2 महीना वहाँ किए थे, तो क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद नीचे एक बार मैन्युफैक्चरिंग में किए थे, तो बीफॉर्म में बहुत ज्यादा उतना नहीं सिखाता, बट एमफार्म के बाद जब हम गए थे, मतलब एमफार्म ड्यूरेशन में ही, तो उन लोग ज्यादा सिखाता, मतलब टोटल हम टाइम अपना क्वालिटी कंट्रोल में ही दिए थे, क्योंकि फिर मैन्युफैक्चरिंग में तो नॉर्मल मिला उलाओ, वो भी क्या ऑटोमेटिक दम रहता है, तो लोग खुद बनाते रहता है, वो खुद ही घूमते रहता है, अपने बोतल चलते रहे, तो अगर आप कभी जाना चाहते हैं तो खुद खुद ही जा सकते हैं, खुद जाएंगे या रिकमेंड कर देंगे कि हाँ ये सब ने कहा है, या कोई भी पहले यहाँ कोई आके मेरा काम करके गया है, तो वो लोग रख लेंगे अगर मतलब इंटरेस्ट हो।
इंटरेस्ट खाली देखता है बच्चा को, उसके बाद वो ले लेता है। ऐसे जनरली वो लोग कॉलेज का मांगता है कि कॉलेज का है या नहीं है। तो बीफॉर्म में तो खैर सभी का कॉलेज का रहता है, बट एमफॉर्म में मेरे पास कॉलेज का नहीं था तो हम खुद के बेसिस पे ही गए थे, लेकिन अलाउ कर दिया था। उसके बाद अब उसमें कोई भी पहला तो ये हम देख लिए कि टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं मिला, रहे गलती से भी, जो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस रहे। उसके बाद कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं मिला रहे जो उसके क्वालिटी या स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दे। मान लीजिए कि पहले से उस बैच में कुछ बना है, ठीक है, अब उसको बढ़िया से धोया नहीं और फिर वापस से उसमें दे दिया, या कुछ ट्रेसेस भी रह गया, तो वो क्या कर सकता है? हो सकता है कुछ, हो सकता है। तो ये टाइप, मतलब इन शॉर्ट यही देखेंगे ना कि कोई भी चीज उसमें प्रेजेंट रहे जो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस क्रिएट करे, यही आप देखें इंजूरियस वाला टर्म, वो हमारे लिए एडल्ट्रेटेड है। नॉर्मली भी आप देखते हैं एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट जो भी मार्केट में मिल रहा है वो क्या है? इंजूरियस है, मैक्सिमम इंजूरियस है। जो हमारा हल्दी है उसमें कुछ और मिला दिया, हाँ बहुत कुछ मिला दिया, तो इंजूरियस है हमारे लिए। उसके बाद आता है स्पूरियस ड्रग्स। स्पूरियस मतलब जनरली जाली बोलते हैं। अब जाली नोट रहता है तो क्या होता है? नकली, एक जैसा दिखता है बट वो है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो इंपोर्ट हो या मैन्युफैक्चर हो वैसे नाम से जो किसी और ड्रग्स का हो, ठीक है। अभी आप देखते हैं एडिडास शूज, और रोड पे मिलता है एबिबाज, ऐसे ही एकदम क्या है फोनेटिक वर्ड्स वाला चीज मिलेगा टोटल, तो वो क्या है? नकली। या कभी कभी तो रिबॉक, नकली बैग आप रोड पे देखेंगे, रिबॉक, या वी को डी कर दिया रिडॉक, इस टाइप का नकली, हाँ कुछ भी इस टाइप का नकली नकली चीज देखते हैं, वो सारे स्पूरियस बैग कह सकते हैं। नहीं कर सकते आप, वो कॉपीराइट है उसके पास, कॉपीराइट एक्ट के तहत वो केस कर देगा, तो वो कुछ ना कुछ चेंज कर देता है एवी बार ई को, हाँ ई, जैसे वो लोग ई ऐसे लिखता है, ई पे यहाँ डॉट दे देगा, कुछ भी थोड़ा ना थोड़ा आप चेंज कर देता, कुछ ना कुछ चेंज कर देगा। अगर नहीं चेंज करता है तो पकड़ाएगा, तो बहुत जितना वो क्लेम करेगा उतना उसको पैसा देना पड़ेगा, कॉपीराइट है ना उनके पास, तो उतना नहीं कर पाएगा। तो अब ये स्पूरियस ड्रग्स क्या है कि कोई भी ड्रग जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं दूसरे नाम से, कोई भी वैसा नाम से हो रहा है जो कोई और ड्रग्स है, ठीक है। कभी कभी फर्स्ट कॉपी आता है, सेकेंड कॉपी आता है, उसको भी हम स्पूरियस ड्रग्स कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि बैच बनता है, बैच कितने का है आपके पास? कभी कभी ऐसा करते हैं जनरली कि आपको मिला हुआ है एट द टाइम 1000 का बैच बनना, 1000 का, और वो क्या किया एट द टाइम 2000 बैच बना हुआ। अब कैसे करेगा? क्योंकि नाम तो उसको एक ही देना पड़ेगा ना, बैच में बैच नंबर रहता है, बैच नंबर रहता है, तो बैच उसको 1000 बनाना है, 1000 बॉटल बनाना है, वो क्या किया 2000 बॉटल बनाना है, सेम दो कॉपी कर दिया, तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट कॉपी। तो वो मार्केट में उतार देगा, अब वो कहाँ उतारेगा? जहाँ चेकिंग नहीं हो, गांव सब में उतारता है जनरली। जनरली बहुत सारी कंपनियां ऐसी करती है, कमाना है ना उसको, तो वो क्या करेगा कि एक जो फर्स्ट कॉपी है बैच का, मतलब जो ओरिजिनल कॉपी है उसको निकाल दिया मार्केट में, और जो छोटा मोटा है वो कहाँ दे दिया? गाँव में, सेम सेम। जैसे 2000 बैच कहाँ से लाएगा, तो फिर पकड़ा जाएगा ना वो, तो एक के बैच, अगर इसमें एक मान लीजिए बैच नंबर बहुत बड़ा रहता है, चलिए ठीक है एक इसमें रखा है फॉर एग्जाम्पल, इसमें बी ए कर दिया, तो वो क्या करेगा गाँव गाँव में बैच उठा दिया। गाँव में कौन चेक कर रहा है? कोई डी आई नहीं है वहाँ, सब वैसे चलाता है, गाँव जाके देखे ना कुछ नहीं है वहाँ पे, धड़ल्ले से लूट है, या गाँव में इतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ भी दवाइयाँ दे रहा है, तो वो अब उतना बैच नंबर कौन चेक कर रहा है? कोई नहीं चेक कर रहा। शहर में भी आपको दे रहा है तो कहाँ बैच नंबर चेक करने वाले हैं, कुछ भी बेच देता। बच्चा वाला दवाई हम देखे पैरासिटामोल देते हुए बड़ों को, कुछ भी दवाई दे देगा आपको, कुछ भी बेच देगा, कुछ होना चाहिए, होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अभी डीआई सब तो खैर रूरल एरियाज में भी देते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में मतलब वो उतना सतर्क नहीं है, पैसा लिया काम खत्म, कौन अपना दूसरा क्या है ना कि अब गांव वाला है उसका अपना है वहां पे, ये बेचारा बाहर से गया फालतू का मारपीट कर दिया कुछ कर दिया, उस वजह से भी डरता है पैसा भी लेता है, तो खैर उनका प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ होना चाहिए। अब मान लीजिए बड़ा ऑफिसर्स गया तो खैर कुछ ना कुछ तो करता है। तो अब ये एक्सपीरियंस है कि कुछ भी इम्पोर्ट हो रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है ऐसे नाम से जो दूसरा का नाम बिलोंगिंग्स है, पहला एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा उसके जो सब्स्टिट्यूट है उसका कुछ भी नकली चीज उसके जगह पे दे दिया, जैसे मान लीजिए उसने लेबल में दिया है कि डेक्लोफिना,
हाँ कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, लेकिन नाम लेबल में वही चला रहा है, या कोई भी उस टाइप के ड्रग्स से रिजेम्बल कर रहा है दूसरा किसी ड्रग्स के साथ। मिसब्रांडेड में क्या था हमारा? हाँ वो अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो मिसब्रांडेड है। हाँ मिसब्रांडेड वहां पे भी हो सकता है, बट ये स्प्यूरियस में जनरली क्या होता है कि उसी ब्रांड में नहीं काम करता है, दूसरा ब्रांड का काम करता है। जैसे कि जैसे मिसब्रांडेड में क्या हो रहा था, टोटली उसी एक ब्रांड में काम कर रहा था, कुछ भी गलत दे दिया, लेकिन स्प्यूरियस में जनरली क्या हो रहा है कि दूसरे दवाई के जगह पे ये जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए इसका एक ब्रांड है, आपने इसके जगह पे अपना ड्रग्स बना लिया, जैसे एडिडास और एबीबास वाला बताया, तो वो हमारा क्या है, स्प्यूरियस है, जाली है। तो जैसे कि एक नोट है 1,000 का, उसके जगह पे एकदम सेम टू सेम दिखने वाला जाली नोट है, पता कैसे चलेगा जाली है? टेस्ट करेंगे तो, टेस्ट करेंगे हम तो वैसे ही ये स्प्यूरियस ड्रग्स क्या है, किसी और ब्रांड का होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, मार्केट में हमारा सिप्ला चल रहा है तो हम उसी नाम से बना रहे हैं। अब जो सिप्ला यूज किया है वो नहीं यूज करके उसको तो उनका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट्स भी तो कमाना है। तो अब वो क्या करेगा कि कुछ भी, हाँ जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है उस ड्रग्स का, वो चीज वहां पे उठा के दे दिया। तो यही थोड़ा डिफरेंस होता है मिसब्रांडेड और स्प्यूरियस में। उसके बाद अब इसमें क्या है कि इसमें जो जो भी सब्सटेंस है वो टोटली सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, हो सकता है कि सिप्ला का डब्बा ले आए और उसमें अपना दवाई भर दे, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा कंपनी वाला सिप्ला का ले आए और उसमें, जैसे कि दुकान वाला क्या करता है, तेल लाया, आधा तेल निकाल लिया, दूसरा तेल डाल दिया उसमें, तो वो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो वो भी स्प्यूरियस में ही आया, जाली काम कर रहा है। यहाँ पे भी हो सकता है क्या किया कि मार्केट से जो भी एक्सपायरी डेट वाला है वो निकाला, आधा उसमें अपना दूसरा प्रोडक्ट मार दिया, या उसमें ही थोड़ा डेट वेट चेंज करके निकाल दिया, तो वो हमारा टोटली, ये कोई ब्रांड नहीं कर रहा है, सिप्ला नहीं कर रहा है, ये कोई और कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, स्पूरियस नाम पे कर रहे हैं। हाँ वो किसी ना किसी से रिजेंबल करेगा, किसी ना किसी से रिजेंबल करेगा, जैसे सीधा जाली ड्रग्स जाली नोट रिजेंबल कर दिया 2,000 के नोट से, एकदम बनाया कोई और, एक तो वहां पे हमारा आरबीआई बना रहा है, एक कोई भी छोटा मोटा दुकान वाला बना दिया, एकदम एकदम सेम रिजेंबल कर लिया, बाद में पकड़ाया, तो वो क्या है हमारा, स्प्यूरियस। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही हमारा आएगा मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स में भी। तो कॉस्मेटिक्स में भी क्या होगा, अगर उसमें वैसा कलर है जो प्रिस्क्राइब नहीं है, मान लीजिए कुछ और कलर का नाम दिया है, सनसेट येलो है, दे दिया ऑरेंज, कुछ भी, तो वो हो गया, अगर उसका लेबल प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है, या उसमें वैसा लेबल फॉल्स या कुछ भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हाँ ये एक्ने खत्म करता है, लेकिन क्या है, एक्ने नहीं खत्म किया, या कुछ और भी चीज वैसा, हाँ वो जनरली रहता है कि आपका एंजाइम्स काम नहीं करता है। हाँ कॉस्मेटिक्स में हालांकि बहुत होता है, लेकिन कॉस्मेटिक्स में क्या होता है कि आदमी उसको उतना लाइटली नहीं लेता, उसको एडवर्स इफेक्ट जो भी उसका हो रहा है आप रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन दवाई में तुम्हें पता चल जाता है, दवाई में तुरंत पता चल जाता है, या डर्मोटोलॉजिस्ट जो भी है वो भी उतना रिकमेंड कमेंड कर दिया, उसके बाद बोल दिया कि नहीं कुछ किया, तो वो भी जाके फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को नहीं बताता है, कुछ नहीं करेगा, इतना महंगा महंगा क्रीम आता है, उसके पास जाइए तो डॉक्टर वाला जो डर्मा डॉक्टर्स हैं वो लोग के पास इतना महंगा महंगा दवाई लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या, बाल झड़ रहा है दवाई लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और क्या हो गया, और वो लोग फार्माकोविजिलेंस में भी नहीं जाते, लेकिन अगर यही चीज अगर मेडिकल वाले फील्ड में है तो वो जल्दी फार्माकोविजिलेंस में जाता है, जैसे ही साइड इफेक्ट्स आने लग जाएगा, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम आया था, बच्चा ब्लू होने लग गया था साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से, या कोई एक दवाई था उसकी वजह से तुरंत उसको बैन कर दिया, तो ये सब क्या हो रहा है कि इंस्टेंट हो जाता है, कि ह्यूमेंस में जो दिखता है, अब कॉस्मेटिक्स में उतना कुछ नहीं दिखता, या तो वर्क नहीं किया, उसका ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं दिखता है किस, हाँ ये भी बात है, ये भी बात है, तो अब यहाँ हाँ तो रिपोर्ट जनरली होता नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग को भी कभी बोलते हैं नकली दे दिया या चाहे जो भी दे दिया, तो ये हाँ, ब्लड में तो ऑब्जर्व होता ही है, कोई भी चीज लगाएंगे, जैसे कि आप एक्ने क्रीम लगाए तो एक्ने कैसे कंट्रोल हुआ, ब्लड में गया तो भी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो सभी कुछ आता है टोटल, इवन लिपस्टिक भी लगाते हैं तो भी जाता है, और उसका काफी हानिकारक चीज भी होता है, तो
प्रिपेयर रही है इसके लिए। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ कर ही नहीं सकते आप। आजकल तो और ज्यादा आ गया है हर एक चीज, उसको हटाने के लिए भी केमिकल, मिसलर वाटर लो वो और केमिकल है। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत कुछ है। तो कॉस्मेटिक जैसे ही आया ना वो चेहरा खराब करके ही मान लेगा। उसके बाद आता है स्पूरियस कॉस्मेटिक्स। अब स्पूरियस फिर जाली आ गया, तो अब ये जाली कैसे आ गया, फिर वही हो गया कि दूसरे कॉस्मेटिक्स के नाम पे बन रहा हो, किसी और को इमिटेट कर रहा हो, नकलीपन ले रहा हो, विको के जगह पे कोई और लेके आ रहा हो सेम ब्रांड का, सेम जैसा दिखने वाला। हाँ जो भी वो तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, एडल्ट्रेटेड टाइप का हो जाएगा। हाँ ये स्प्यूरियस ही होगा कि, लेकिन वो क्या करता है जनरली उसी नाम पे जाता है जनरली कि आप। हाँ बोडोलिन वाला तुम देखना, ये बाबा गली जाना ना, बाबा गली गई हो तो वहां पे जो रोड पे बैठे रहते हैं, हाँ उसमें उसके पास देखना, हम एक दिन देखे थे, बोडोलिन के जगह पे कुछ और रहता है, तुम उठा के देखना कभी, अभी जब जाना तो देखना, एकदम सेम बोडोलिन रिजेंबल करेगा। जैसे बोडोलिन रहता है ग्रीन कलर का, उस पर ब्लैक ब्लैक टाइप का बोडोलिन लिखा होता है, तुम उसको उठाना और देखना उसमें क्या लिखा हुआ है, बोडोलिन ही रहता वो एकदम सेम। स्प्यूरियस ड्रग्स, स्प्यूरियस कॉस्मेटिक आपको वहां पे दिख जाएंगे एकदम सेम। नहीं तो हम कभी जाएंगे तो हम फोटो क्लिक करके लाएंगे, एकदम सेम ये चीज तुम देखे वहां बोडोलिन के। बोडोलिन का कुछ और नाम रहता है, स्पेलिंग थोड़ा चेंज है। जैसे गांव का आदमी आया बोडोलिन बोडोली लिया उठा के, अब वो थोड़ा जान रहा है कि बोडोलिन कहाँ का कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, नहीं जान रहा है, वो सीधा उठा लिया बोडोलिन वैसा ही दिख रहा है। तो उन लोगों का बहुत ज्यादा ठगता है जनरली। क्या बोलिए आप क्या बोल रहे थे? हाँ बहुत ज्यादा, बहुत खाना वाला प्रोडक्ट इतना खराब खराब नाम में बेच देता है। कुरकुरे, मतलब कुरकुरे में तो बहुत ज्यादा रहता है सही मैम, हम ये चीज तो हम भी देखे, या बिस्किट सब भी बहुत ज्यादा रहता है बोले तो। ये लोग का जो फंडा रहता है वो, हाँ ये गांव वाले को ज्यादा टारगेट करते हैं, 1-2 रुपया कम कर दिया। यही सब चीज देता है। हाँ ये गांव में हम भी देखे, मतलब ये मेनली टारगेट करता है। शहर में तो मेरा आदमी थोड़ा है कि मैगी ही लेगा, हाँ जनरली सुपरमार्केट से खरीद लेता है तो वो जनरली नॉर्मल ही बढ़िया ही देता है। लेकिन गांव सब में क्या है, उतना कोई पढ़ा लिखा है नहीं, 1 रुपया सस्ता भी मिल रहा है चलो उठा के लाओ, दुकानदार को भी क्या है हेवी डिस्ट्रीब्यूटर का जरूरत है उसको और पैसा मिल रहा है। हाँ इसीलिए अभी नॉर्मल मैगी अभी 14 रुपया में हो गया, 10 वाला 14 में हो गया, वहां भी स्टिल 10 रुपीज में। हाँ बहुत पहले, बहुत इनिशियल में था। या वैसा कोई नाम से कंपनी चला रहा है जो टोटली जाली हो, किसी और का भी मैगी वाला एग्जांपल दिया तो कॉस्मेटिक बोरोलिन वाला। अब जाइएगा आप कभी सब्जी लाने तो आप देखिएगा जरूर आपको वैसा दिखेगा। तो या वो वैसा मैन्युफैक्चरर को क्लेम कर रहा हो जो उसका प्रोडक्ट है ही नहीं, मान लीजिए बोरोलिन वाले को ये पता चलेगा उसका तो खैर है ही नहीं, अगर कोई केस कर दिया उसको कुछ हो गया तो बोरोलिन वाला तो लाइबल है नहीं क्योंकि वो तो कोई और कर रहा है। अब लेकिन वो मैन्युफैक्चरर बोरोलिन लिखा होगा पता नहीं, उठा के तो नहीं देखे लेकिन आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा जाएंगे तो ठीक है। तो इसके तहत आपको ये सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा। ये हम यहाँ पे लिखे नहीं है, वो भी वैसा ही होगा जैसे यहाँ पे ड्रग्स रहता है तो सेम कॉस्मेटिक्स का भी सेम वैसा ही होगा। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का 5 चैप्टर है ठीक है, चैप्टर वाइज सभी को पढ़ना है। तो पहला चैप्टर में इंट्रोडक्टरी है, दूसरा चैप्टर में हमको डीटैप के बारे में पढ़ना है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में पढ़ना है, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी के बारे में पढ़ना है, मतलब रहता है पढ़ना आपको उतना नहीं, पढ़ना कम ही है आपको, सिर्फ मैन्युफैक्चर या इम्पोर्ट वाला पढ़ना है, हाँ स्केड्यूल्स वाला पढ़ना है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हमारा इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आता है, चौथा में मैन्युफैक्चर चेल इम्पोर्ट, मतलब बाहर से जो भी चीज आया इम्पोर्ट, यहाँ से जो भी जाएगा एक्सपोर्ट, कुछ भी कोई भी चीज हम ला सकते हैं। इम्पोर्ट मतलब लाना और वो एक्सपोर्ट मतलब जाना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम कुछ भी दे सकते हैं, रॉ मटेरियल भी दे सकते हैं,
मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, उसमें कोई भी कंपनी का जो ड्रग रहेगा ना, मैन्युफैक्चर्ड बाय अलग रहता है, एक और चीज रहता है मार्केटेड बाय। हाँ, दो चीज रहता है अलग अलग। मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर तुमको वहां का लिखना पड़ेगा, बाहर जो भी है, मार्केटेड बाय तुम्हारा अपना कंपनी। दो चीज, अगर दो कंपनी बना रही है, एक दूसरा मार्केटेड कर रही है, तो दोनों का नाम मेंशन करना पड़ता है। जैसे ये VLCC है, यहाँ की कंपनी थोड़ी है, कॉस्मेटिक्स का सिंगापुर कहाँ का है, VLCC यहाँ का कंपनी नहीं है, बहुत सारा कंपनी यहाँ का नहीं है, लेकिन मार्केटेड तो यहाँ हो रहा है ना, तो वो मैन्युफैक्चर में भी वहां से हो सकता है, या यहाँ पे उन्होंने अपना इंडस्ट्री लगा दिया है। आजकल तो खैर इंडस्ट्री इन लोग यहाँ लगा दिया, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में बहुत पैसा लगेगा, तो वो कैरियर बचाने के लिए यहीं पे वो विदेशी कंपनी आके अपना कंपनी बना देते हैं। उसके बाद फिर फोर में है, एक तो मैन्युफैक्चर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, एक तो एलोपैथिक के हिसाब से, और फोर ए है हमारा यूनानी के तरह, और 5 में मिसलेनियस। उसके बाद शेड्यूल है हमारा, एक आयुर्वेदिक सिद्धा सिस्टम में, दूसरा यूनानी तिब्बतियन सिस्टम में। तो हम लोग को जनरली क्या पढ़ना है, इम्पोर्ट वाला पढ़ना है और शेड्यूल्स पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग ये पढ़ेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक।